हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं इट एप टू सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुश ओवर एनालिसिस की। तो हम स्टार्ट करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि पुश ओवर एनालिसिस होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पुश ओवर एनालिसिस यानी किसी स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं और उसको फिर एनालिसिस कर रहे हैं। पहले से हमारे स्ट्रक्चर में उसके खुद के कुछ लोड्स हैं, उन लोड्स को हम एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं और पुश करके देख रहे हैं कितना डिस्प्लेसमेंट वो रेसिस्ट कर सकता है। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं पुश ओवर एनालिसिस। पुश ओवर एनालिसिस जो ये मेथड था, ये एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उनके लिए था, बट अब क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो बहुत फटाफट काम करते हैं, तो हम न्यू स्ट्रक्चर में भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन बोलता हूँ मैं। पुश ओवर एनालिसिस इज मेनली यूज टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ एंड ड्रिफ्ट कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ड्रिफ्ट क्या, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लोट क्लोड एंड द सीजमिक डिमांड फॉर द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिलेक्टेड अर्थक्वेक। दिस प्रोसीजर कैन बी यूज्ड फॉर चेकिंग द एडक्यूएंसी फॉर ए न्यू स्ट्रक्चर डिजाइन एज वेल एज पुश ओवर एनालिसिस। ठीक है, तो पुश ओवर एनालिसिस को मैं जितना हो सकेगा उतना ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुश ओवर फैसे मेनली जो होता है आपका स्टील स्ट्रक्चर के लिए होता है, लेकिन हम कंक्रीट में भी करेंगे इसमें। और कंक्रीट में हम सिंपल एक फ्रेम लेंगे, उसकी उसका रीज़न ये है कि अगर हम पूरी एक बिल्डिंग ले लेते हैं तो क्या होता है कि जो मेरा पीसी या लैपटॉप है वो बहुत स्लो है, तो बहुत टाइम लेता है एनालिसिस करने के लिए। इसलिए हम जो प्रोसीजर एक सिंपल एक फ्रेम के लिए होगा वही एक बिल्डिंग के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यू ले लेता हूँ मैं, देख रहे हो आप कितना स्लो चल रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया ऐसे। आईएस कोड ले लेते हैं हम, यूनिट्स आईएस इंडियन कोड, ओके। तो हम क्या करते हैं, फोर फ्लोर हैं, सिंपल जो डिफॉल्ट आपका ग्रिड पैटर्न है वही ले लेते हैं, ओके करते हैं। ग्रिड पैटर्न आपका आ चुका है ये ग्रिड पैटर्न। अब मैं क्या करता हूँ, केवल यहाँ पे एक फ्रेम मैं चाहता हूँ, केवल मैं एक ऐसा एक फ्रेम बनाऊँ जिससे हम जल्दी जल्दी से एनालिसिस हो सके। ठीक है, तो मैं यहाँ से बीम लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ऑल स्टोरे, ठीक है। और बीम में ले लेते हैं हम कंक्रीट बीम, पहले से स्टील डिफॉल्ट है, कंक्रीट बीम दिया हुआ है जो भी साइज है उसका, और हम यहाँ ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे सारे बीम बन जाएंगे, ये देखिए। इसी तरह कॉलम, और यहाँ पे ले लेते हैं हम कंक्रीट कॉलम, ठीक है, और कॉलम भी यहाँ पे लगा देते हैं, ये लग चुका है। स्कैप बटन दबाएंगे, नॉर्मल कर्सर हो जाएगा, और नीचे के दो जॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, सपोर्ट देने के लिए, असाइन जॉइंट रिस्ट्रेन फिक्स, ओके। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। ग्रिड को हाइड कर देते हैं, एक ही व्यू ले लेते हैं हम, राइट क्लिक किया, सॉरी राइट क्लिक किया, और यहाँ पे हमें क्लिक करना है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा फ्रेम है कंक्रीट का। तो इस फ्रेम में हमें देखना है कि एक ही डायरेक्शन देखेंगे, देखिए एक्स डायरेक्शन में ही देखेंगे इसमें, क्योंकि हमारा 2D फ्रेम है, एक ही डायरेक्शन में हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि एक्स डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये जब ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो ये कब तक डिफ्लेक्ट हो सकता है, कितना डिस्प्लेसमेंट ले सकता है, कितनी कैपेसिटी इसकी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, या हम इसमें ऐसा भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट लिमिट दे दी कि क्या 300 mm तक इसको देते हैं, और क्या होता है 300 mm डिस्प्लेसमेंट पे प्लास्टिक हिंज डेवलप होते हैं नहीं होते,
आपको पता है ना प्लास्टिक हिंज क्या होते हैं? कुछ पॉइंट्स ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जो हिंज की तरह रिएक्ट करते हैं, और जब एक परफेक्ट नंबर ऑफ हिंज मिल जाते हैं किसी एक मैकेनिज्म बनने के लिए, तो हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। ये एक बीम है आपका और यहाँ पे लोड लग रहा है, लोड इंक्रीज होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। एक टाइम ऐसा आया कि इसके जो अपर फाइबर हैं और जो लोअर फाइबर हैं उनमें सेम स्ट्रेस है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे एक हिंज डेवलप हो गया और ये ऐसे बिल्कुल मैकेनिज्म बन गया और ये कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो ये जो हिंज है ये कहाँ कहाँ बनेंगे? ठीक है, इस बीम में तो एक हिंज पे कोलैप्स हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। हमें नंबर ऑफ हिंज चाहिए पूरे एक मैकेनिज्म, एक मशीन की तरह रिएक्ट करे हमारा स्ट्रक्चर और कोलैप्स हो जाए, मूवमेंट हो जाए उसके अंदर। तो ऐसे नंबर ऑफ हिंज होती है, उसकी मैनुअल कैलकुलेशन होती है, लेकिन हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि पुश करने पर सारा फोर्स एक डायरेक्शन में क्या कितने हिंज बनते हैं जिससे ये फेल हो जाए, कहाँ कहाँ हिंज बनते हैं, क्या कैपेसिटी है इसकी हमारी फोर्स को रेसिस्ट करने की, या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ इस यही इस तरह से इसकी डेफिनेशन होती है पुश होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको जाना है डिफाइन लोड पैटर्न। ठीक है, लोड पैटर्न में यहाँ पे आपको बनाना है पुश एक्स, एक ही डायरेक्शन बना लेते हैं। अगर हमारी 3D बिल्डिंग होगी तो एक्स और वाई दोनों बनाते हैं, और लोड टाइप ले लेते हैं अदर। ठीक है, और इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, इतना करना है, ओके कर देना। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में जाना है डिफाइन लोड केस। लोड केस में आपको क्या करना है, जो पुश है आपका इस पर डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो डबल क्लिक किया मैंने तो इसकी एडिटिंग मोड आ जाएगा, मॉडिफाइंग मोड, ये आ गया। पुश एक्स यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे इसको खोलेंगे और यहाँ पे चेंज करेंगे हम, क्योंकि ये पुश ओवर एनालिसिस मेथड होता है आपका नॉन लीनियर स्टैटिक मेथड। तो नॉन लीनियर स्टैटिक हमने यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मास जो प्रीवियस मास डिफाइंड है वो ले लेते हैं। यहाँ पे MSSRC मास स्ट्रक्चर वन, ये क्या है इसको, चलो मैं इसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफाइन करने के बाद आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लोड पैटर्न एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन में हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक है, स्केल वन ले लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, लोड एंड एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पे इसके सामने जो मॉडिफाई का टैब है इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे करना है डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल। ठीक है, जैसे 400 या 500 कर देता हूँ, एक टारगेट दे दिया हमें, इतना डिस्प्लेसमेंट तक हम इसको मॉनिटर करना है स्ट्रक्चर को। ठीक है, और हमारा फोर्थ स्टोरी तक, ओके कर दिया, बस इतना करना है इसमें। उसके बाद रिजल्ट सेव में मॉडिफाई में जाना है आपको, और यहाँ करना है मल्टीपल स्टेट। ठीक है, हम मल्टीपल रिजल्ट देखना चाहेंगे इसमें, हर स्टेप पे इंक्रीमेंट, 10-10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, ओके कर दिया, ओके कर देना है, बस इतना आपको इसमें करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके करने के बाद आप हिंज बनाने हैं इसमें, हिंज डिफाइन करने हैं, हिंज की पोजिशन कहाँ कहाँ हिंज बन सकते हैं। हम हिंज बना नहीं रहे, हिंज की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम इसे पुश करेंगे एक डायरेक्शन में और तब वो हमारा हिंज बनने स्टार्ट होंगे, पोजीशन दे रहे हैं कहाँ कहाँ बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बीम को देते हैं। तो सेलेक्ट में जाइए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप और बीम सेलेक्ट कर लीजिए। तो बीम पे क्लिक किया, सेलेक्ट पे क्लिक किया उसके बाद। ठीक है, ओके कर देंगे, उसके बाद क्लोज कर दो इसे। बीम देखिए सारे सेलेक्ट हो गए। अब जाना है आपको असाइन में, असाइन में फ्रेम, क्योंकि बीम और कॉलम को हम फ्रेम बोलते हैं, और यहां पर है आपका हिंज। ठीक है, इस हिंज में जाना है। ठीक है, यहाँ गया। अब देखिए जो हमारा एक जो बीम है, ये बीम है हमारा एक। ठीक है, इस बीम में ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, या जो भी फिक्स सपोर्ट है, इधर भी फिक्स है मान लीजिए। तो हिंज जो बनेगा, हिंज की जो हम पोजिशन डिफाइन करते हैं वो यहाँ करते हैं, ना कि जॉइंट पे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका 5% डिस्टेंस है, टोटल लेंथ का 5%, और ये जो है यहां से लेके यहां तक ये 95% है। ठीक है, अगर यहां से काउंट करेंगे तो ये भी 5% है। तो 5% डिस्टेंस यहाँ पे और 5% डिस्टेंस यहाँ पे हम हिंज की पोजिशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाला 0.05 और ऐड कर लिया। ऐड करते ये विंडो आ गई। इस विंडो में क्या करना है, ये आपको अमेरिकन कोर्स लेटर रखना है, यहाँ पे करना है कंक्रीट बीम,
ठीक है, मोमेंट जहाँ हिंज बनेगा मोमेंट जीरो हो जाएगी, तो मोमेंट को रेजिस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पुश एक्स करना है वी वैल्यू में, ठीक है, ये चेंज करना है आपको पुश वैल्यू, यहाँ पे एम थ्री चेंज करना है, यहाँ पे कंक्रीट बीम और यहाँ पे ये कोड होना चाहिए, ठीक है। आपको भाई ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ओके कर देना है। उसके बाद 0.95 कहा था ना मैंने, एक 5% डिस्टेंस पे, एक 95 डिस्टेंस पे हिंज लगानी है। ऐड किया, सेम वही चीज़ आएगी, एम थ्री क्या क्या हमें चेंज करना है, पुश एक्स, एम थ्री, कंक्रीट बीम, टेबल, बस ओके कर देना है। अब यहाँ पे ओके करोगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखना पोजीशंस दिखाएगा हिंज की, ठीक है। ये क्या है आपका इस बीम के लिए, ये क्या है 5% डिस्टेंस पे, और ये क्या है 95 डिस्टेंस, ठीक है। इधर से अब इसी तरह कॉलम में डिफाइन कर देते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप कॉलम सिलेक्ट क्लोज, इसी तरह सेम जाएंगे, असाइन फ्रेम हिंज, यहाँ पे 0.05 ऐड, यहाँ पे करेंगे कंक्रीट कॉलम, कंक्रीट कॉलम में आप एक्सियल फोर्स एम टू एम थ्री तीनों मोमेंट ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा पुश एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ तीनों लोड ले लेने हैं और पुश एक्स ले लेना है, और यहाँ पे कंडीशन फ्लेक्सर शियर ये ले लेनी है, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है जब कॉलम का लें, यहाँ पे पुश एक्स, यहाँ पे कॉलम, एक ये यहाँ पे और एक ये यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है, ओके कर देंगे। अब 95 वाला 0.95 ऐड, तो वही सब पहले से सिलेक्ट है, ओके कर दो और ओके कर दो। देखिए कॉलम में भी हिंज की पोजीशन डिफाइन हो गई है, ठीक है। इतना करने के बाद आप जाइए यहाँ पे एनालिसिस में, और यहाँ पे रन एनालिसिस में सेट लोड रन, देखिए हमें पुश एक्स जो है केवल उसी को एनालाइज करना है, तो इन सबको रोक देते हैं। इस पर मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ इस पर, तो क्या होता है वो उसको एनालाइज नहीं करेगा, मॉडल और डेड लाइफ को एनालाइज नहीं करेगा, इन सबको मैं रोक दे रहा हूँ, केवल पुश को करेगा और रन नाउ कर देते हैं, ठीक है। पुश ओवर एनालिसिस हो चुका है आपका, बस अब हमें इसके रिजल्ट डिस्कस करने हैं, जो मेन चीज है। थोड़ा सा टाइम लेगा, पीसी मेरा स्लो चल रहा है, देखिए अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ एनालिसिस, यहाँ पे कुछ आप देखना, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग दिखाई देगी आपको, ये देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये, अगर हम एक बिल्डिंग लेते तो बहुत टाइम लेता। मेरे पीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4GB रैम है और i5 है, ये काफ़ी है किसी भी स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए, लेकिन अभी इसमें कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से ये बहुत स्लो हो गया है। तो इसमें हम जब रिजल्ट चेक करेंगे, तो रिजल्ट में अभी बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। जब रिजल्ट चेक करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि पहले स्टेप में जब पुश किया तो भाई यहाँ पर कहीं पर 2 हिंज बनी, दूसरे पे किया 3 हिंज बनी, जब तक तो ग्रीन हिंज रहेंगे यानी कि उस कंडीशन में हिंज बनने पर स्ट्रक्चर कोलेप्स नहीं होगा, और जैसे ही हिंज हमारी रेड हुई यानी कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म बन गया है कि ऐसी ऐसी जगह पर हिंज बन गई है कि हमारा स्ट्रक्चर वहाँ पर कोलेप्स हो जाएगा, इसीलिए हम को पता चल जाएगी कि जो कैपेसिटी है हमारे स्ट्रक्चर की वहाँ तक है, ठीक है, ये एनालाइज हो जाए। देखिए एनालिसिस हो चुका है और यहाँ पे कुछ कलर्स भी शो कर रहा है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, 7 स्टेप, और यहाँ पे mm लिखा आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, अब पुश इन एक्स डायरेक्शन, तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एरो है, अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, बैक करता हूँ, स्टार्टिंग से बताते हैं, आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें एक हिंज बन रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर का हिंज है यानी हमारी बिल्डिंग यहाँ पे सेफ है। इस एरो पे मैं क्लिक करता हूँ, एक मिनट आपको एक चीज में इसमें ऑन,
तो यहाँ पे देखिए एक हिंज बन रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखिए एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा है, 4.6 mm, ऊपर वाले स्टोर में 12 mm, और यहाँ पे देखिए यूएक्स में चेक कर रहा हूँ 17 mm, और यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, माउस कर्सर ले आ रहा हूँ तो 19 point। अब मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, एरो पे क्लिक करने से कुछ हो नहीं रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ डिफॉर्मेशन में जाते हैं और यहाँ पे करते हैं हम पुश ओवर स्टेप्स हैं यहाँ पे स्टेप टू, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे टू आ चुका है, जैसे ही स्टेप टू पे आता है तो देखिए चार हिंज बन चुके हैं, लेकिन अभी वो ग्रीन है। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 7 point, और मैक्सिमम कितना, 25, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे एक बार यहाँ क्लिक करके देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये थर्ड स्टेप है, देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप हो चुका है, यहाँ पे देखिए 3 step हो चुके हैं, और हिंज देखिए यहाँ पे बन चुका है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और अभी भी ग्रीन है सारे, यानी कि इतने हिंज बनने के बाद भी बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अब देखिए कितने हिंज बन चुके, अब भी कोलैप्स नहीं होगी, फिफ्थ में भी कोलैप्स नहीं होगी, सिक्स्थ में भी कोलैप्स नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका कलर क्या चेंज हो रहा है, ब्लू, यानी कि अब स्टार्ट हो गया है इसमें कुछ गड़बड़ होना। अब नेक्स्ट में देखते हैं हम, तो यहाँ पे एक रेड हो गया है, ठीक है, लेकिन बिल्डिंग अब भी पिंक हुआ है, सॉरी, अब भी ये बिल्डिंग कोलैप्स नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पहुँच रहा है वो पहुँच रहा है 135 mm, ठीक है। देखिए होता क्या है, आपको मैं एक डायग्राम से बताता हूँ, एक ग्राफ से, कर्व से, सॉरी, एक कर्व होती है ऐसे आपकी, यहाँ होता है आपका फोर्स और यहाँ होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और कर्व कुछ इस तरह से होती है। अगर आपका स्ट्रक्चर इस जोन में है तो सेफ है, इस जोन में है तो स्ट्रेन हार्डनिंग, और इस जोन में है तो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे कलर दिखा रहा है आपका, ग्रीन यानी कि सेफ, ठीक है, और ब्लू, देखिए इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो कर्व मैंने बनाई है ये आपका ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया, ये पिंक हो गया, ये और रेड हो गया, ये कोलैप्स, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आपके इतने इंच डेवलप हो रहे हैं। अगर अब हम नेक्स्ट करते हैं तो कुछ होगा नहीं इसमें नेक्स्ट, तो ये बिल्डिंग हमारी सेफ है। तो इस तरह से हम पुश ओवर के एक बार रिजल्ट भी देख लेते हैं, डिस्प्ले हिंज रिजल्ट, इसको ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कितने हिंज बने हैं आपका, एक हिंज ये बना है आपका जो पिंक है, और सारे आपके ग्रीन है। इसी में हम पुश ओवर कर्व भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये कर्व है आपकी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस बेशियर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, ये मॉनिटर है आपका, तो देखिए आपको कहाँ तक पहुँचा है, 135 तक एंड में ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं इसको एक्सेल फॉर्म में फॉर्मेटेड, ये रहा तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है आपका यहाँ पहुँचा है। अब ये देखिए ए बी बी सी सी डी ये सब क्या दिखाई दे रहा है, इन सबको बताता हूँ मैं। जो हमने कर्व बनाई थी, ये कर्व, ये होता है आपका ए, ये होता है बी सी डी ई, ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है। ये जो आई ओ है, ये आई ओ, ये क्या है आपका इंटरमीडिएट ऑक्यूपाई, और जो आपका एल एस है वो है लाइफ सेफ,
और ये आपका सी पी ए कोलैप्स प्रिवेंशन, ठीक है, और सी पी क्या है, कोलैप्स। तो इस तरह से हम पुश ओवर के रिजल्ट चेक करते हैं। अगर आपको थोड़ी भी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपके काम आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो पसंद ना आई हो या ये इसकी ज़रूरत ना हो भी, सिविल इंजीनियर से किसी और की कोई और वीडियो की ज़रूरत हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कभी कभी हम भूल जाते हैं, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कोई वीडियो लाइक पसंद आती है, सब्सक्राइब नहीं करता, फिर बाद में मुझे आता है यार वीडियो का नाम क्या था, मुझे ज़रूरत है उसकी और हमें मिल नहीं पाती हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।